एक बाबा की दीवानी जोगन बाबा के दरबार जा रही है और बाबा से क्या फरियाद कर रही है, जो मथुरा वृंदावन बरसाने गए हैं उन्हें पता होगा कितना सुंदर और कितना अद्भुत मेरे बाबा का नजारा है, मेरी राधा रानी का नजारा है। आइए, एक बाबा की दीवानी जोगन बाबा के मंदिर पहुंच गई, बाबा की चौखट पे खड़ी है और बाबा का दीदार हुआ तो क्या हुआ सुनिएगा। हो तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचाता जाना होता है और कहीं तेरी ओर चलाता के मंदिर में आती हूं कभी मेरे घर भी आया करो। कि मंदिर में बैठे रहते हो कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आती हूं कभी मेरे घर भी आया करो। कई दिना दिया मेरे शाम ने जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे बाबा का, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। हो तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचाता हूँ जाना होता है और कहीं तेरी ओर चलाता हूँ। दोनों हाथों की ताली बजा के श्री राधे।
हुआ है, देख के खुदा को माना है। जब से तुमको देखा है देख के खुदा को माना है, जब से तुमको देखा है देख के खुदा को माना है। मान के दिल ये कहता है मेरी खुशियों का तो है खजाना, मेरी खुशियों का तो है खजाना। मेरे बाके बिहारी पिया, मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। आए है तूने ये क्या किया, आए है सब घर बार सब कुछ छोड़ दिया, ऐसी लगन लगा ली मेरे बाबा से तो क्या करे सुनेगा। हो राणा की राजधानी छोड़ी लोगलाज सब छोड़ी, लोगलाज सब छोड़ी, रंग के शाम रंग में चुनर मीरा जी ने ओढ़ी।
सीधे पूरे पूरे हाथ सीधे जो अपनी अपनी झोली मेरे शाम से भरवाना चाहते हैं और बाबा से क्या कह रहे हैं, भर दे रहे शाम झोली भर दे भर दे ना बहला बातों में, ओ ना बहला बातों में, भर दे रहे शाम झोली भर दे ना बहला बातों में, ओ ना बहला बातों में। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा पागल वो ही है जो पागल बाटे बिहारी का, जो पागल बाटे बिहारी का, जो पागल बाटे बिहारी का। कन्हैया शब्दों पे ध्यान दीजिए, ये मेरी गारंटी है, अगर तुम्हें मेरे शब्द पसंद ना आए तो मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छा सुना ले। कि दुनिया का बंद कर दे खुलिया श्री राधे श्याम कहते हैं ना भक्तों, इस दुनिया के जंजालों में तो तुम सबने फंस कर देख लिया, सिवा धोखे के सिवा ठोकर के यहां कुछ नहीं मिलता। कहते हैं ना, जब इंसान के पास चंद पैसे होते हैं तो दूर का इंसान भी रिश्तेदारी निकालने लगता है। क्या बात है भाई। और जब इंसान की बनकर बिगड़ जाती है तो सबसे पहले अपने सगे संबंधी भाई बंधु अपने मुखड़े को मोड़ लेते हैं। अरे मेरी जेब में चंद छेद क्या हुए, जेब में छेद होना कहते हैं पैसा तो आता है लेकिन पता नहीं किस रास्ते से जाता है। अरे मेरी जेब में चंद छेद क्या हुए, सिक्कों से पहले रिश्तेदार गिर गए, तब जाकर ये अली दरबार मैंने सुना, सीधा तेरे दर पे आया हूं मेरे श्याम। दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा, इस नाम में कितनी मस्ती है, कोई ना कोई मनोती लेकर पूरी रात्रि तेरी सेवा में मेरी माँ ये भगत बैठे हैं। किसी को अपने बेटे की नौकरी की आस, किसी को घर में पुत्र रतन की प्राप्ति की आस, किसी को अपने घर में पुत्र की आस। ए माँ, ये जितने भी भोले भगत हैं ना, ए मेरे श्याम, या तो तुझे आज इन सबके बीच में आना पड़ेगा या फिर हम सबको वृंदावन धाम बुलाना पड़ेगा। और
आप सभी के मन के भाव में कान्हा तक पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे पास शिवाने को जी चाहता है। श्री राधे। किस किस का मन करता है मेरे सांवरे का दर्शन मुझे हो जाए, कौन कौन मन से याद करता है मेरे सांब बाबा को कि तेरे पास आने को जी चाहता है। खुदी को मिटाने को जी चाहता है। ऐ मेरे श्याम, इन सभी भक्तों का तेरे पास आने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। ये दुनिया है सारी, ये दुनिया है, ये दुनिया है सारी नजर का ही धोखा। पूरी जिंदगी हम धन दौलत कमाने के चक्कर में निकाल देते हैं, हम सोचते हैं कि इसका भी मुझे मिल जाए, इसका भी मुझे मिल जाए, मैं इतना रईस हो जाऊं कि पूरी दुनिया की दौलत मेरे कदमों में हो। मैं एक छोटी सी कहानी आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं जो दौलत के दीवाने हैं। राजा अकबर ने हमारे हिंदुस्तान पे राज किया था, कौन कौन मानता है? आप लोगों का ध्यान इधर नहीं है दीदी, ये जागरण भी एक तपस्या होती है, ये कोई नौटंकी नहीं होती है। गारंटी देता हूं अगर तुम सबको समझ में ना आए मेरे भजन मेरी बातें, लेकिन तुम्हें मेरे लिए आधा घंटा देना होगा। गारंटी देता हूं इस दरबार में आज से जागरण करना छोड़ दूंगा, नाचना कूदना ही जागरण नहीं होता है। राजा अकबर ने हमारे हिंदुस्तान पे राज किया, जब उसका अंतिम समय आया तो उसने एक शर्त रखी कि अगर मेरी कोई एक इच्छा को पूरी करेगा तो मैं उसे अपना आधा राजपाट दान में दे दूंगा। पंडित मौलवी आए, बहुत बड़े बड़े राजा आए देश विदेश से कि राजा अकबर आपकी वो कौन सी इच्छा है जिसे आप पूरी कराना चाहते हैं मरने के बाद। तो राजा अकबर ने कहा जब मेरी अर्थी मेरा जनाजा निकाला जाए तो मेरे दोनों हाथ मेरे जनाजे के बाहर खाली लटके हुए हों। सभी ने मना कर दिया कि राजा ना तो हिंदू सनातन धर्म ना ही मुस्लिम समाज में ऐसी कोई प्रथा है, जब भी जनाजा ले जाया जाता है तो दोनों हाथ बांध कर ले जाए जाते हैं। कोई बता सकता है कि राजा अकबर ने ऐसी शर्त क्यों रखी? मैं बताऊंगा। राजा अकबर दीदी, राजा अकबर दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि मैं पूरी दुनिया का बादशाह होते हुए भी, इतनी दौलत पूरी दुनिया का मालिक होते हुए भी बंदे हाथ आया और खाली हाथ जा रहा हूं, और जेब में कफन में जेब नहीं होती है। कि तेरे पास आने को जी चाहता है, खुदी को नजर का ही धोखा। ये दुनिया है सारी नजर का ही धोखा। बुला ले
पूरे हाथ से देख, जो मेरे बाबा श्याम को मानते हैं और मेरे बाबा का दीदार करना चाहते हैं, ताली बजा के गाइएगा क्या, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, हो पीते पीते 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 हो पीते पीते। ये नशा भी दो प्रकार का होता है, एक नशा दौलत का नशा, जवानी का नशा, शराब का नशा, और दूसरा नशा मेरे श्याम नाम की मस्ती का नशा। कौन कौन पीना चाहता है मेरे श्याम नाम की मस्ती? आज आज है, हमारा तो रोज का काम है। अभी दो प्रोग्राम में गाके आई हैं, गगोल 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 में महाराज जी ने प्रोग्राम कराया था दिन का, वहां गई थी। उसके बाद फिर एक मेरठ में प्रोग्राम था, फिर हमारा तो रोज का काम है। लेकिन माँ भगवती मेरे बाबा श्याम कहते हैं, अरे अपने अपने साथ इन सभी भक्तों से भी तो नाम लेवाया करो। कौन कौन मेरे श्याम नाम की मस्ती पीना चाहता है, उठाइए दोनों हाथ। होए पीते पीते 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 होए पीते पीते। ये नशा दो प्रकार का होता है। अक्सर हम कहते हैं देखो उसका बेटा बहुत शराब पीता है, हम कहते हैं उसके डैडी उसके पापा बहुत शराब पीते हैं। हर शराबी बुरा नहीं होता, एक शराबी के मन के भाव सुनिएगा। जो शराब तो पीता है लेकिन किसी का बुरा नहीं सोचता। मैंने माना जना शब्दों पे ध्यान दीजिए। मैंने माना जनाब मैं पीता हूं, बा खुदा बेहिसाब पीता हूं, सुनिएगा। लोग लोगों का आजकल का जो ये दौर चल रहा है, अगर मां बाप छोटे बेटे को कुछ ज्यादा हिस्सा दे दे तो सगा भाई सगे भाई की गर्दन पर छुरी चला रहा है। अगर माँ बाप अपने बेटे की कितनी सी इच्छा को पूरी ना करे तो घर का चिराग अपने माता पिता बहन और नानी का कत्ल कर रहा है। अभी रोहतक कांड, मैं नहीं मानता कि हर मोबाइल पे ना आया हो वो कांड। एक इतनी सी इच्छा को पूरी ना होने के खातिर घर के बच्चे ने घर के बेटे ने अपने माता पिता बहन और नानी का कत्ल कर दिया। अरे उनसे अच्छा तो वो शराबी है। मैंने माना जनाब मैं पीता हूं, बा खुदा बेहिसाब पीता हूं, लोग लोगों का श्री राधे खून पी हरी बोल। लोग लोगों का खून पीते हैं, मैं तो फिर भी शराब पीता हूं।
पिला दे, थोड़ी सी और 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 पिला दे। आइए, हमने पूरी रात्रि माँ भगवती का गुणगान किया, बाबा श्याम को मनाया। आइए, मैं उस भगवान के लिए दो शब्द कहना चाहता हूँ जो आप हम सबके जिंदगी के सबसे बड़े भगवान होते हैं। कौन है वो भगवान? हमारे माता पिता। मेरी माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। बहुत अच्छे। मेरी इस जन्म देने वाली माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये तो इस पत्थर रूपी भगवान से भी टाली नहीं जाती, नहीं जाती। वक्त पड़ जाए तो चार बच्चों को बर्तन मांझ कर पाल देती है एक माँ। वक्त पड़ जाए तो चार बच्चों को बर्तन मांझ कर पाल देती है एक माँ, लेकिन दुल्हन आने पर उन चार बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। की दुख की घड़ी सकती। दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। किसे? जिस पे मेहर हो अपने माता पिता की, जिस पे अपने माता पिता की, उसे ये दुनिया झुका नहीं सकती। चाहे काली घटाए तो क्या तेरे आंचल के नीचे हुए, काली घटाए तो क्या आंचल के नीचे हुए। भजन मेरे श्याम बाबा के लिए गाया गया है, लेकिन इस भजन को मैं अपनी मम्मी के लिए गाता हूं। और जो जो अपनी मम्मी से, अपने माता पिता से प्यार करता है, सभी को अपनी जिब्वा पवित्र करनी है। उठाइए दोनों हाथ। चाहे काली घटाए तो क्या तेरे के नीचे हुए, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये तो इस पत्थर रूपी भगवान से भी टाली नहीं जाती। उठा दो लोहा। चाहे काली घटाए तो क्या तेरे आंचल के नीचे हुए, काली घटाए तो क्या आंचल के नीचे हुए। पकड़ा मेरा हाथ है, मेरी
बात है। मेरी मम्मी मेरे साथ है, की क्या बात है। पता नहीं कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे, पता नहीं कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे। कोई हल्का सा भी मार देता था तो रो जाते थे। अरे अब तो नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती। अब तो नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती। बचपन में तो एक माँ की लोरी में सो जाते थे, सो जाते थे। चाहे कोने तो क्या तेरे आदत के नीचे हूँ मैं। ख्याल जिसे भैया और भाभी ने बुलाया था ना, वो तो पत्तल चाटी और अपने घर जाकर बड़े आराम की नींद सो रहे हैं चैन की नींद। और जिसे मेरी माँ तोमी वाली ने बुलाया है, आज वो इस प्रांगण में बैठा है। सभी उठाइए दो हाथ और सभी को कहना है क्या, शायद मेरी भक्ति का ख्याल, शायद मेरी भक्ति का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मैया ने हमें अपने दर पे बुलाया। उनकी करुणा का वर्णन करूं, मेरी दादी में वो दम नहीं। उनकी करुणा का वर्णन करूं, वाणी में वो दम नहीं। जब बच्चा छोटा होता है, पहला निवाला माँ खिलाती है। अच्छे बुरे का ज्ञान जन्म देने वाली माँ सिखाती है। अचानक बच्चा चंद क्लास पढ़ के इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपनी माँ से कहता है, माँ आज मेरे दिल्ली से और बॉम्बे से बहुत बड़े 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 रईस दोस्त आ रहे हैं। एक काम करना माँ, तू कमरे से बाहर मत आना, वो बहुत रईस हैं, मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अचानक माँ कहती है, अरे ये मेरा वही बेटा है जिसे 9 महीने 9 मास मैंने गर्भ में अपनी कोख में पाला, खुद मैं गीले में सोई।
मैंने सूखे में सुलाया, आज ये बेटा कहता है क्या कि माँ तू कमरे से बाहर मत आना, मेरे रेपुटेशन खराब हो जाएगी। बहुत अच्छे। मैं तो पागल हूँ अपनी माँ के नाम का, अगर झूठ बोलूं तो मैं यही कोड़ी हो जाऊं। नहीं मानता मैं माँ भगवती को, नहीं मानता मैं बाबा श्याम को। क्यों? इस दुनिया में आकर जब हम सब ने अपना मुख खोला, इस धरती पर आकर जब हम सब ने अपना मुख खोला, सबसे पहले इन लबों से हमने माँ बोला। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं अपनी इस माँ के आदर्शों का इतना सा भी बखान कर सकूं, मेरी तो इतनी औकात नहीं है। माँ माँ बड़ी पागल होती है, सुनिएगा। उनकी करुणा का वर्णन करूं, वाणी में गौतम नहीं। उनकी करुणा का वर्णन करूं, वाणी में गौतम नहीं। इनका सहारा मिला फिर सताए कोई कम नहीं। जब से इनका सहारा मिला फिर सताए कोई कम नहीं। की बरसात है तेरी लाडो की क्या बात है। ममता की बरसात है तेरी लाडो की क्या बात है। ममता में राहत है तेरी लाडो की क्या बात है। ममता में राहत है तेरी लाडो की क्या बात है। कहते हैं मतलब की प्रीत तुम सबको संसार में मिलेगी, मतलब की प्रीत तुम ही सबको संसार में मिलेगी, और पैसे की प्रीत खुद के परिवार में मिलेगी। यूं तो प्यार मिलेगा सभी यार दोस्त रिश्तेदारों से, लेकिन सच्ची ममता तो सिर्फ माँ से मिलेगी, माँ से मिलेगी। चाय काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। चाय काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। अरे बाबा की दीवानी जोगन बाबा के मंदिर पहुंच गई और बाबा के दरबार जारी है। बाबा से क्या करिए सुनेगा। एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए, दिल्ली